morning, students. How are you? Fine. I hope you are also fine. And do you know which date is going on? Yes, today is 10th August 2021. And which day is going on? Yes, today is Tuesday is going on. And which class? Yeah, in this class. So, student, do you know what we have learned in the previous class? Yes, I have learned you these, that, those. Okay, so yeah, we complete ho chuka hai. Okay, so student, today I will teach you, I will do some exercise. Okay, topic this, that, those. Okay, तो आज मैम क्या करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगी कॉपी पे. आपको कॉपी पे करना है, ठीक है? तो मैंने आपको बताया ही है दिस का यूज कहाँ करते हैं. जब कोई चीज हमारे पास होती है दैट टाइम यूज दिस दिस मार्क. एंड व्हेन एनीथिंग्स की लाइक दूरी है, हम उसे छू नहीं सकते हैं, ऐसे में है, तो हम कहेंगे दैट इज मार्क, ठीक है? अब कोई चीज आपके पास है और वो एक से ज्यादा है, जैसे अभी वन नोटबुक एंड टू नोटबुक, अब हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोटबुक, दिस आर नोटबुक्स. ओके, दिस के साथ आर लगाते हैं और दिस के साथ इज लगाते हैं, ठीक है? अब कोई चीज दूर है, ठीक है, और वो एक से ज्यादा है, ठीक है बच्चों? जैसे ये पेन है, एक से ज्यादा है और ये दूर है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, Those are pens, ठीक है? और कोई सिंगल चीज है और दूर है, उसके लिए क्या आप करेंगे, यूज करेंगे, हाँ, that is pen. And कोई चीज पास है, this is pen. और एक से ज्यादा है तो these are pens, ठीक है? और एक से ज्यादा है, दूर है तो those are pens. Okay, do you understand? Okay, very good. तो आ जाइए हम कॉपी पे, हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं. स्टूडेंट दिस इज योर कॉपी एक्सरसाइज. सो फर्स्टली इस एक्सरसाइज में हमको दिस एंड दिस का यूज करना है. और मैम ने बताया था ना, तब कोई चीज एक होती है हम लगाते हैं दिस इज. हम आपको सिर्फ एक करके बताएंगे, बाकी आपको करना है, ठीक? जैसे ये अम्ब्रेला है ना, सो फर्स्टली हम लिखेंगे टी H-I-S, this, I-S, is, this is a umbrella, A-M-B-R-E-L-L-A. Okay, students, so ये क्या है, this is an umbrella. This is an umbrella. And second देखिए, ये है balloon. और ये one से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है ना, तब एक से ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हम क्या use करते हैं, बताइए बताइए. Yes, हम these का use करते हैं, T H E S E. These A R E R B A double L double O N S balloons, ठीक है? These are balloons. अभी मैम ने क्या बताया, when single things that time use this is an umbrella. When one plus more things, that time use these are balloons. Yeah, these are kites. These are mangoes. These are balls. Okay. And हम this का use कहाँ करते हैं बच्चों? This का use करते हैं जब हम only single things की बात करें, like one bats है ना, आप यहाँ पे लिखोगे this is a bat. okay, अब ये one से ज़्यादा है तो these are kites.
वन फ्लावर है तो आप क्या यूज करोगे, दिस इज अ फ्लावर। अब ये वन से ज्यादा मैंगो है ना, तो आप क्या यूज करोगे, दीज आर मैंगोज। ओनली वन कप है तो क्या यूज होगा बच्चों, दिस इज अ कप। आप वन से ज्यादा थिंग्स है ना, वन से ज्यादा बॉल्स, आप क्या यूज करोगे, दीज आर बॉल्स। ओनली वन सन है तो क्या यूज होगा, दिस इज अ सन। ओके, ये है आपका क्लास वर्क। ये आप इसको क्या करेंगे, अभी फिनिश करेंगे। और बच्चों अब ये है आपका होमवर्क, इसमें यूज करना है आपको दैट एंड दोज। चलिए वन हम करके बताते हैं आपको। सबसे पहले क्या लगेगा, कोई सिंगल चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोई दूर हो, दैट, टी एच ए टी, दैट इज अ ग्लास, जी एल ए डबल एस, ग्लास। अब वन मोर थिंग्स होगी और दूर होगी, उसके लिए क्या यूज करते हैं, दोस, टी एच ओ एस ई, दोस, ए आर ई आर, फुटबॉल, एफ डबल ओ टी फुट, बी ए डबल एल एस फुटबॉल्स। ओके, ऐसे ही आपको आगे जितने भी हैं आपको खुद से करना है, दैट है दोस का यूज करके। ओके स्टूडेंट्स, ओके, दिस दैट इज बर्ड, एंड ये क्या है, ये है वेस। ओके, आप करोगे दैट इज वेस, एंड ये क्या है, पिंस, ढेर सारी पिंस है ना, दोज आर पिंस। एंड वन टैडी है, दैट इज अ टैडी, एंड वन काइट है तो आप क्या यूज करेंगे बच्चों, दैट इज अ काइट। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अ टॉय, ठीक है, दैट इज अ टॉय। एंड ये बी है ना, तो यहाँ पे क्या यूज होगा बच्चों, दोस इज अ, दोस आर बी, दोस के साथ आर लगेगा, दैट के साथ इज लगेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके है वर्कशीट, आपको वर्कशीट अच्छे से करनी है और जल्दी से जल्दी हमको अपनी फोटोज सेंड करिए, एक्सरसाइज यानी वर्क की फोटोज। सो स्टूडेंट, वी विल मीट आवर नेक्स्ट।